हेलो 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 जहाँ पर सच दया इंसान और सम्मान रहता है वहीं जाकर के अल्लाह और भगवान रहता है। निकाला है अगर तूने किसी के पैर का काटा, निकाला है अगर तूने किसी के पैर का इंसान रहता है। क्या बात है, शाबाश बेटे शाबाश। सुना आप लोगों ने? सुना। हम क्या बताएं भैया, अभी तक सुन ही तो रहा था बेटे। अरे एक तरफ आप कह रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया जी। अरे अभी तक आपने कहा हम कुछ कह नहीं रहे जी। अच्छा दीपू भैया एक काम करते आप, जब भैया हमारे सवाल भी बता रहे हैं जवाब भी बता रहे हैं तो इन्हीं से गवा लेना था आपको, हमें ना बुलाते आप। हमने कहा तौहीन होगी, इसमें विशेषता आपको नहीं लगी कि कुछ प्रसंग आपने गाए और जो बचे वो मैंने गाया। अब सवाल भी आप गाएंगे जवाब भी आप गाएंगे तो हम क्या गाएंगे बताओ। आपने कहा नहीं सम्मान होगा ये ला सकती थी आप हमको सलाह दे रहे हैं कि हम ये ला सकते थे, अच्छी बात है। तो बड़ी बहन ना कहो फिर, छोटी बहन कहो। आप सुनते कम है भैया। क्यों? आपने कहा भारत सरकार नहीं कह रही है ना कि कोरोना जारी है। अरे तो कहे लठबाजी चल रही है, क्यों परमिशन लोगों को नहीं मिल रही है कि कीर्तन कराए। हाँ। सरकार नहीं तो और क्या है, वो गवर्नमेंट है बेटे। आप कह रहे हैं सभी कह रहे हैं कोरोना जारी है, ये केवल सरकार नहीं कह रही, और आप जवाब में क्या ला रहे हैं? जो हमने कहा भाई केवल फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है। अच्छा कोरोना रोना है और क्या? कोरोना कोरोना नहीं कोरोना रोना है। बिल्कुल ये हमको आज पता चला। ओफो क्या बात, दादा की फरमाइश से भाई। क्या कहा आपने? क्या बात, आपकी फरमाइश हमारे दादा पूरा करेंगे। वाह आप सुने, आप इनको भी दादा को हमारे गुरु जी को भी सुने, लेकिन हमारी और ये भैया की बात है। जीव जंतु के बचते न प्राण कोरोना रोना है। क्या बताए, हमने कटपीस में कहा था भैया इसमें कुछ नहीं है केवल एक बात है। अरे मन है चंगा तो कठौती मैया मिल जई है गंगा। बस इतनी सी बात, बस सारा था बिल्कुल सीधा। मीठा मीठा गप और कड़वा थू। अरे सुनिए सुनिए पहले, बिल्कुल सीधा बात हो, चल दो तो सुनिए। चलिए गीत आपकी ओर से आया है ना। अरे जब से गए मेरे पिया परदेश में बोलो
हूँ तब से मैं पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में। जैसे जब से गए मेरे पिया परदेश में, रहती हूँ तब से मैं पगली के भेष में, जिसे भैया भैया जिसे सैया छुड़ा लीजिए। बढ़िया पंक्तियां हैं आपकी ओर से, आइए प्रयास कर रही हूँ। भैया हर कोई केवल प्रयास कर सकता है, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अगर आप ये कहें नहीं आप ये ला सकते थे, आप वो ला सकते थे, तो हर कोई केवल प्रयास करता है। और क्या, मंच पे केवल प्रयास किया जाता है भैया। बाकी अगर हम कहें कि जवाब हम लोग दे लेंगे तो ये मुश्किल काम है, केवल प्रयास किया जा सकता है। आइए प्रयास कर रही हूँ। जिस समय लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी तो उन्होंने नेग में छोटे से बामन भगवान जो पहरेदारी कर रहे थे, नेग में उनको मांग लिया। वाह, और हुआ जय हो। देश परदेश छोड़ चल बेटा, देश परदेश छोड़ भैया तेरे देश में, मांगू सने हने हगे के प्रवेश में, के प्रवेश में, के प्रवेश में। अरे बात मेरी सुनोगे भैया जो मांगू दोगे। राजा बलि से कहा क्या लक्ष्मी जी ने, भैया बात मेरी सुनोगे भैया जो मांगू दोगे, मेरे भैया मुझे दे दीजिए। और भैया राजा बलि से कहा है भैया क्या भैया छोटा सा ये छैया मुझे दीजिए। छोटे से जो बामन भगवान पहरेदारी कर रहे थे, ये मुझे नेग में चाहिए। क्या भैया छोटा सा ये छैया मुझे दीजिए, भैया छोटा सा ये छैया मुझे दीजिए, छोटा सा ये छैया मुझे। भैया छोटा सा ये छैया मुझे दीजिए, भैया छोटा सा ये छैया मुझे दीजिए। रचना की है उसको प्रणाम है।
की पंक्तियाँ आई हैं। है, भोजपुर वालों ने भी अच्छी बात कही है। क्या बात है? कि जिगरा चेहरा पे नूर हो जाला, तू आदमियत से दूर हो जाला, के ई है देखल बाई जमाना में, ओ करा सच हो गरूर हो जाला। भोजपुर वालों ने कहा क्या के नैना पोलो शरा बिल्कुल। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप छोटे भैया हमारे कह सकते हैं, लेकिन भैया अपना विचार है कि जब जवाब बगल से ही हो तो ज्यादा दूर जाने की क्या आवश्यकता। ना बेटे ना। सुनिएगा, एक बार कृष्ण जी ने कर्ण से वन में एकांत में मिले और बताया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तो कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि पांडव मेरे भाई हैं, किंतु भगवान या महायुद्ध जो होने वाला है वह महायज्ञ है और प्रभु के यज्ञ की ये ज्वाला जले, लेकिन मेरे भाइयों को प्रभु इतनी कृपा कीजिएगा कि मेरे भाइयों को ये पता ना चले। अच्छा, पर यज्ञ की अग्नि विकराल ज्वाला जले, पर मेरे भाइयों पता ना चले।
क्या यज्ञ में सारे कौरव जले तो जले पर मेरे भाइयों ओर से आई हैं, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। क्या बात है, और ये हमारे परम सम्मानी भैया दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी मलिकपुर बरना आपकी ओर से 100 पद्म मुद्राएं हैं। और ये भैया तेज बहादुर यादव जी, क्या बात है, यादव जी को सैया बना लीजिए इन्हीं लाइनों पे खुश होकर के। ये हमारे भैया तेज बहादुर यादव जी शोभापुर निवासी आपकी ओर से ये 51 पद्म मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। और हमारे चाचा का कहना है कि दो लाइन कब कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले, कब के चाचा की तरफ से है, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है आपसे।
क्या बात है। ये गीत बहुत पहले कभी गाया था और इस समय ध्यान में नहीं है, लेकिन चाचा अब वादा करती हूँ फिर कभी आप मिलेंगे तो इस गाने को आइए फरमाइश है दादा से आप कुछ सुनना चाहते हैं, आइए दादा आपको कुछ सुनाएंगे। अरे जैसे सावन, जैसे सावन की घटा बन के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े चलो बेटे ठीक है।